ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे मैंने बॉर्डर में 30 फंदे डाले हैं मैरून कलर से, और उसके ऊपर जो ब्रॉड डिज़ाइन बनी हुई है पहले हम उसे बनाना सीखेंगे, और उसके बाद उसके जो टैडी डिज़ाइन है उसे बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे टोटल 30 फंदे लिए हैं। इस 30 फंदे में मैं डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी। जो नीचे की डिज़ाइन बनी हुई है वो हमारी 7 के मल्टीपल प्लस 2, तो ये पूरी हमारी डिज़ाइन सेट हो गई। तो यहाँ पे 30 फंदे हैं, तो इसमें सबसे पहले एक दो फंदे हमारे ये वाइट से हो जाएंगे, और 5 फंदे हम मैरून कलर से बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, फिर यही हम रिपीट करेंगे। दो हमारे वाइट रहेंगे और 5 फंदे मैरून के। ये 3 4 5, एक दो वाइट, एक दो तीन चार 5 फंदे मैरून, दो फंदे हमारे वाइट के, एक दो तीन चार 5 मैरून और ये दो वाइट। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो बन गई। और यहाँ पे सेकेंड रो में जो फंदे हमारे मैरून दिख रहे हैं उन्हें मैरून से बनाएंगे, और जो फंदे हमारे वाइट दिख रहे हैं उन्हें हम वाइट कलर से करेंगे। ये देखिए, दो रो में हमारी ये डिज़ाइन इस तरह से बन गई। अब रो नंबर 3 में हम ये सारे फंदे प्लेन वाइट कलर से ही बनाएंगे। ये जितने भी फंदे हैं इसमें हमारा मैरून कलर नहीं लगेगा। रो नंबर 3 में सिर्फ वाइट कलर से ही हम पूरी रो ये बनाएंगे। ये पूरा बना के हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारी रो नंबर 3 पूरी एक ही कलर से बन गई। अब रो नंबर 4, इसमें भी हम सारे फंदे को वाइट कलर से ही पीछे से उल्टा उल्टा ही बनेंगे। ये बैक साइड हमारी है, तो इसमें हम वाइट कलर से पूरे रो ये उल्टी ही बनाएंगे। ये देखिए, 4 रो तक हमारी ये डिज़ाइन बन गई। अब ये देखिए, मैंने एक बार रो नंबर 1 से रो नंबर 4 तक ये डिज़ाइन बनाई, तो ये हमारी इस तरह से दिख रही है। और फिर यहाँ से रो नंबर 1 और 2 हम बनाएंगे। जैसे मैंने रो नंबर 1 और 2 बताया था, तो एक बार और रो नंबर 1 बनाएंगे, ये दो फंदे वाइट के और 5 फंदे मैरून के। इन्हें फिर जैसे रिपीट किया था वैसे ही हम फिर बार बार रिपीट करेंगे। ये दो वाइट, 5 मैरून, फिर दो वाइट और 5 फंदे मैरून के। ये रो 1 ऐसे ही बनाएंगे, और रो 2 दो रो के बाद फिर हम आपको बताते हैं। ये देखिए, रो नंबर 1 और 2 फिर एक बार रिपीट करने के बाद मैंने 2 सिलाइयाँ मैरून से की हैं, और उसके बाद हमारा येलो कलर आ गया। इस येलो कलर को आप कम या ज़्यादा सिलाइयाँ बीन सकती हैं। जितना बड़ा आपका स्वेटर है उसी हिसाब से आप एडजस्ट करिएगा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 सिलाइयाँ बीनी हैं, और आपको नमूने के लिए बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 30 फंदे जो लिए थे उसमें हमारे डिज़ाइन के 27 फंदे हैं, तो दो फंदे मैं आगे रखूँगी और एक फंदे मेरे बाद में एक्स्ट्रा रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस ऊपर वाले टैडी डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे। तो इसकी फर्स्ट रो में शुरू में हम 7 फंदे पहले येलो कलर से बनाएंगे। ये एक उतार लिया, 2 3 4 5 6 और 1 7। अब हमारा यहाँ पे वाइट कलर आ जाएगा। वाइट कलर से 1 2 3 4 5 फंदे वाइट के, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये 7 फंदे हमारे येलो के हो गए। फिर हमारा वाइट कलर 1 2 3 4
और एक पांच, ये पांच फंदे वाइट और आखिरी के जो छह फंदे बचे हैं उन्हें हम येलो कलर से बनाएंगे। ये देखिए अब हम सेकंड रो पे हैं। सेकंड रो में येलो कलर से पहले हम बनाएंगे एक दो तीन चार पांच फंदे येलो के। अब हमारा वाइट कलर एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात फंदे वाइट के। अब हमारा यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा एक दो तीन चार पाँच फंदे ब्लू के और फिर सात फंदे हमारे ये वाइट कलर से रहेंगे और उसके बाद हम सारे फंदे येलो कलर से बनाएंगे। ये तीन हो गए, चार पाँच छः और एक सात और बाकी के जो छः फंदे बचे हैं इन्हें हम येलो से करेंगे। ये देखिए दो रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर थ्री में हम येलो के ऊपर येलो, वाइट के ऊपर वाइट और ब्लू के ऊपर ब्लू सेम कलर से ये पूरी रो हम बनाएंगे। ये देखिए रो नंबर हम फोर पे हैं। रो नंबर फोर में येलो कलर से ये एक उतार लिया, दो तीन चार फंदे येलो। अब हम वाइट के ऊपर बीच में सारे फंदे हमारे यहाँ से वाइट हो जाएंगे। ये देखिए और ये बीच के जो पांच ब्लू फंदे हैं इन्हें हम ब्लू कलर से ही बनाएंगे। ये पांच फंदे हमारे ये ब्लू के हो गए। फिर हमारा यहाँ वाइट कलर, ये वाइट के ऊपर भी हम सारे फंदे जितने हमारे वाइट हैं उन्हें हम वाइट कलर से ही बना रहे हैं और एक येलो फंदा हमारा वाइट हो जाएगा और फिर बाकी के जो पांच फंदे बचे हैं उन्हें हम येलो कलर से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी फोर रो बन गई। ये देखिए अब हम रो नंबर फाइव पे हैं। तो रो नंबर फाइव में येलो के ऊपर हमारे सारे फंदे येलो से ही रहेंगे। ये दो तीन चार पाँच। अब हमारा यहाँ वाइट कलर एक दो तीन चार पाँच छः फंदे हमारे वाइट के। अब यहाँ पे हमारा ब्लू कलर आ जाएगा, ब्लू कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ। ये नौ फंदे हमारे ब्लू हैं और इसके बाद फिर हमारा वाइट कलर आ जाएगा। वाइट कलर से हम एक दो तीन चार पाँच छ फंदे वाइट के और आखिरी के चार फंदे जो हैं वो येलो कलर से रहेंगे। अब ये देखिए हमारी रो नंबर सिक्स, इसमें भी हम येलो के ऊपर येलो से ही बनाएंगे। ये दो तीन चार फंदे येलो के और वाइट कलर एक दो तीन चार फंदे वाइट के। अब हमारा ब्लू, यहाँ से हमारा ब्लू रहेगा और बीच के जितने फंदे हमारे ब्लू हैं उन्हें हम ब्लू कलर से ही बनाएंगे। ये पूरे ब्लू के ऊपर देखिए ब्लू हो गया, एक दो फंदे और ब्लू के हो जाएंगे। अब हमारा वाइट कलर एक दो तीन चार फंदे वाइट के और फिर यहाँ पे हमारे पांच फंदे जो बचे हैं उन्हें हम येलो कलर से ही बनाएंगे। ये देखिए अब हम रो नंबर सेवन पे आ गए हैं। रो नंबर सेवन में भी हमारे येलो के ऊपर सारे फंदे येलो कलर से ही रहेंगे। ये दो तीन और एक चार। अब हमारा वाइट कलर एक दो हम वाइट से बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारा ब्लू कलर आ जाएगा, ये दो फंदे ब्लू और इसके बाद के भी सारे फंदे हमारे ब्लू कलर से ही रहेंगे। ये बीच के जितने भी फंदे हमारे हैं ब्लू उन्हें हम ब्लू कलर से ही करेंगे।
ये एक और ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे सारे फंदे येलो कलर से हो जाएंगे। अब ये देखिए, अब हम रो नंबर 8 पे आ गए हैं, जिसमें हम ये ब्लू, ये येलो जो शुरू में हैं उन्हें येलो कलर से ही बनाएंगे। और यहाँ पे हमारा ब्लू कलर आ गया है, तो ये जहाँ तक ये हमारा ब्लू है वो हम ब्लू अब बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने ब्लू के ऊपर सारे ब्लू बना लिए। ये दो फंदे वाइट जो थे उन्हें भी अब हम ब्लू कलर से करेंगे। और हमारा येलो कलर, ये 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये देखिए रो नंबर 9। रो नंबर 9 में हम जो हमारे येलो के ऊपर येलो, ब्लू के ऊपर ब्लू, फिर येलो के ऊपर येलो, सेम कलर से ये पूरी रो हमें बनानी है। ये देखिए, अब हम रो नंबर 10 पे हैं। रो नंबर 10 में मैंने येलो के ऊपर येलो किया है और ब्लू के ऊपर सारे ब्लू फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे ये दो फंदे जो ब्लू हैं इन्हें अब हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो वाइट कलर से 1, 2, 3 फंदे वाइट के, और येलो कलर से 1, 2, 3 और 1, 4। अब ये देखिए रो नंबर 11। रो नंबर 11 में येलो कलर से 1 उतारा, 2 फंदे, और इसके बाद हमारा ये वाइट कलर 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ये 6 फंदे हमारे वाइट हो गए। अब यहाँ से हमारा ब्लू कलर, ये जहाँ तक हमारे बीच के ब्लू कलर हैं उन्हें हम ब्लू कलर से ही बनाएंगे। ये पूरे फंदे, ये देखिए हमारे ब्लू कलर हो गए। अब ये लास्ट वाला जो एक ब्लू फंदा है इसे अब हम वाइट कलर से करेंगे। 1, 2, ये 2 हो गए, 3 फंदे वाइट के, और बाकी के जो फंदे बचे हैं उन्हें हम येलो कलर से करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ये देखिए अब हम रो नंबर 12 पे हैं। रो नंबर 12 में येलो कलर से ये 1 उतारा, 2, 3, 4 फंदे येलो के। अब हमारा वाइट कलर, 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट के। अब यहाँ से हमारा ब्लू कलर, और ये देखिए हम ब्लू के ऊपर सारे ब्लू करेंगे, वाइट के ऊपर वाइट और येलो के ऊपर येलो। ये बिल्कुल सेम कलर हम यहाँ तक पूरी रो बनाएंगे। ये देखिए रो नंबर 12 तक मेरी ये डिज़ाइन बन गई। अब हम रो नंबर 13 पे हैं। रो नंबर 13 में येलो कलर से पहले हम 1 उतारा, ये 2, 3 फंदे हमारे येलो के हो गए। अब हमारा वाइट कलर, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट के। और ब्लू कलर से हम बीच में जितने फंदे हमारे ब्लू हैं उन्हें ब्लू कलर से ही बनाएंगे। ये देखिए पूरे फंदे हमारे ये ब्लू कलर से ही रहेंगे। ये लास्ट वाला एक ब्लू फंदा अब हमारा वाइट कलर हो जाएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 फंदे वाइट के, और आखिरी के 3 फंदे जो हैं वो येलो कलर से रहेंगे। अब देखिए रो नंबर 14। रो नंबर 14 में ये 1 उतारा, 2 फंदे येलो के। अब हमारा वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे वाइट के। अब ब्लू कलर,
फिर हम सारे फंदे ब्लू के ऊपर ब्लू कलर से ही करेंगे। ये हमारे जो भी फंदे हैं बीच के वो सारे ब्लू हो गए। अब यहाँ पे वाइट कलर, एक दो तीन फंदे वाइट के, और इसके बाद के सारे फंदे हमारे ये येलो, एक दो तीन चार और एक पाँच। ये देखिए रो नंबर 15, जिसमें येलो के ऊपर सारे येलो कर लिया, ये वाइट फंदे भी अब हमारे येलो कलर से हो जाएंगे। और अब हमारा ये ब्लू कलर, और ब्लू कलर को भी हम ब्लू कलर से बिनेंगे जहाँ तक हमारे ब्लू हैं। ये देखिए ब्लू के ऊपर सारे ब्लू हो गए हैं। अब यहाँ पे ब्लू के बाद हमारा येलो कलर आएगा। येलो कलर से एक दो हम येलो से बनाएंगे, और फिर हमारा ये वाइट कलर, वाइट कलर से एक दो तीन चार पांच फंदे वाइट के, और आखिरी के दो फंदे फिर हमारे येलो हैं। अब ये देखिए रो नंबर 16 में हमारे येलो के ऊपर येलो कलर ही रहेंगे, दो येलो, वाइट कलर से एक दो तीन चार फंदे वाइट के, एक दो तीन हम येलो से बनाएंगे। ये देखिए ये तीन येलो हो गए, तीन येलो के बाद हम एक ब्लू बनाएंगे, और फिर हमारा यहाँ पे वाइट कलर आ जाएगा। वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। दस और एक 11 फंदे हमारे ये वाइट से हो जाएंगे, एक हमारा ये ब्लू कलर, और इसके बाद के फिर सारे फंदे हमारे येलो से रहेंगे। अब ये देखिए 16 रो तक मेरी ये डिज़ाइन बन गई है। अब रो नंबर 17 पे हम येलो के ऊपर येलो करेंगे और वाइट के ऊपर वाइट करेंगे। यहाँ पे हमारा दोनों ब्लू नहीं रहेगा, और फिर साइड के हमारे सारे फंदे येलो हो जाएंगे। तो इसे हम बना कर दिखाते हैं। ये देखिए अब हम रो नंबर 17 पे हैं, तो येलो के ऊपर हमारे सारे येलो के हैं। ये जो एक ब्लू फंदा है ये भी अब हमारा येलो कलर से हो जाएगा। अब यहाँ पे वाइट कलर आ गया है, तो वाइट के ऊपर हम वाइट कलर से बनाएंगे। ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और एक 12। ये 12 फंदे हमारे ये वाइट के हो गए। अब हमारा येलो कलर, एक दो तीन चार फंदे येलो के, एक दो हम वाइट से बनाएंगे, और फिर यहाँ पे हमारे फंदे येलो हो जाएंगे। ये देखिए अब हम रो नंबर 18 पे हैं। रो नंबर 18 में हम ये येलो के ऊपर सारे येलो हो जाएंगे। ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक 9। अब हमारा वाइट कलर, एक दो तीन चार पाँच और एक 6 फंदे वाइट के बाद हमारा रेड कलर आ जाएगा। रेड कलर से एक और एक 2, ये 2 फंदे हमारे रेड के हो गए। फिर वाइट कलर, एक दो तीन चार फंदे वाइट के, और इसके बाद के सारे फंदे हमारे येलो हो जाएंगे। ये साइड के सारे फंदे हमारे ऐसे ही प्लेन हम बना लेंगे।
अब ये देखिए रो नंबर 19, रो नंबर 19 में हम येलो के ऊपर येलो, रेड के ऊपर रेड और जितने फंदे वाइट हैं उन्हें वाइट, सेम कलर पूरी ये रो में करेंगे। ये देखिए रो नंबर 19 में मैंने जो कहा था ये यहाँ पे येलो के ऊपर येलो तो थे लेकिन एक येलो को मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया है, तो अब हमारे यहाँ वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हो गए, 2 रेड के ऊपर रेड हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमारे ये वाइट के हैं और फिर येलो के ऊपर येलो हैं। अब हम देखें रो नंबर 20 है, रो नंबर 20 में हम शुरू के येलो के ऊपर येलो से बनाएंगे, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 एक येलो फंदा अब हमारा वाइट कलर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15 ये 15 फंदे बीच के हमारे वाइट हो गए और फिर साइड के सारे फंदे हमारे येलो कलर से रहेंगे। ये देखिए रो नंबर 21 है, रो नंबर 21 में भी शुरू के येलो फंदे जो हैं वो हमारे येलो कलर से रहेंगे, ये 2, 3, 4, 5 और 1, 6 अब हमारा यहाँ पे वाइट कलर 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट के, एक हम ये ब्लू से बनाएंगे इसकी आँखों के लिए, अब हमारा फिर वाइट कलर 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 इस 6 फंदे के बाद फिर हमारा एक ब्लू आ जाएगा, फिर वाइट कलर 1, यहाँ पे देखिए ये ब्लू नहीं रहेगा, यहाँ पे एक वाइट और हमारा होगा, तो वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हो गए, एक हम ब्लू से बनाएंगे और फिर हमारा वाइट कलर 1, 2, 3 और 1, 4 फंदे वाइट के और फिर बाकी के सारे फंदे हमारे ये येलो कलर से रहेंगे। अब हम देखें रो नंबर 22, रो नंबर 22 में येलो के ऊपर सारे फंदे हमारे येलो कलर ही रहेंगे और जहाँ पे हमारे वाइट फंदे हैं ये अब हमारे ये बीच के सारे फंदे हमारे फिर वाइट कलर से ही हो जाएंगे, यहाँ पे अब ब्लू कलर हमारा नहीं आएगा, पूरे जितने फंदे हमारे हैं येलो ये वाइट उन्हें हम वाइट कलर से ही करेंगे। और साइड के फिर हमारे येलो आ गए, इन्हें हम येलो कलर से बनाएंगे। अब ये देखिए ये डिज़ाइन हमारे बन गई। अब हम रो नंबर 23 में हम येलो के ऊपर येलो, वाइट के ऊपर सारे वाइट और फिर येलो के ऊपर येलो, यहाँ पे फिर हम सेम कलर ही लगाएंगे। ये देखिए अब हम रो नंबर 24 पे आ गए हैं, रो नंबर 24 में भी येलो के ऊपर सारे फंदे हमारे येलो कलर से ही रहेंगे, ये 4 हो गए, 5, 6 और 1, 7 अब हमारा वाइट कलर 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट के, अब हमारा येलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 7 फंदे येलो के बाद फिर हमारा ये वाइट कलर 1, 2, 3, 4 और 1, 5 और फिर इसके बाद के सारे फंदे हमारे येलो हो जाएंगे। ये देखिए ये मेरी डिज़ाइन बन गई। अब हम रो नंबर 25
जो हमारी इस डिज़ाइन की आखिरी रो है, इसमें भी हम येलो के ऊपर सारे फंदे येलो कलर से करेंगे। और ये एक वाइट फंदे इसे हम येलो से करेंगे। अब यहाँ पे हमारे बीच के एक दो तीन फंदे वाइट के रहेंगे। अब हमारा येलो कलर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ, ये नौ फंदे बीच के येलो हो गए। फिर हमारा वाइट कलर, वाइट कलर से एक दो तीन फंदे वाइट और फिर बाकी के सारे फंदे हमारे येलो हो जाएंगे। ये देखिए 25 रो में हमारी ये ऊपर की भी डिज़ाइन बन गई और ये नीचे की डिज़ाइन, देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। और ये दूसरे साइड की जो डिज़ाइन है, जो इसके हाथ दोनों साइड एक आने के लिए, आप जो रो नंबर वन मैंने सीधी तरफ से बनाया है, वो आप रो नंबर दूसरे वाले पल्ले में रो नंबर वन बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, तो ये दोनों टैडी जो हैं वो आमने सामने आ जाएंगे बिल्कुल आपके सेट हो करके। तो आइए इस डिज़ाइन का ग्राफ देखते हैं। ये देखिए ये हमारी ऊपर भी डिज़ाइन जो बनी है और नीचे, इन दोनों का ये ग्राफ है। इस ग्राफ की हेल्प से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।